Hello everyone, welcome back to my channel and thank you so much for giving so much love to my videos. तो आज बनाते हैं झटपट से मसाला चाप। इसके लिए सबसे पहले चाप को हम 5 मिनट के लिए उबलते हुए पानी में डाल देंगे, जिससे इसका कच्चापन हट जाएगा। अब इसे कर लेंगे ठंडा, उसके बाद हटा देंगे इसकी स्टिक्स और इसको पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। और जब तक मैं कट कर रही हूँ, आप कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और अब ले लेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, इसको कर लेंगे थोड़ा सा गरम। उसके बाद सारी चाप के पीसेस को कर लेंगे अच्छे से चारों तरफ से फ्राई, जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाएंगे। इसके बाद इसको फ्राई करने के बाद अब हम इसको कर देंगे साइड पे। और ये मैं झटपट रेसिपी बना रही हूँ, जिसमें कि मैं ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। कढ़ाई से एक्स्ट्रा ऑयल हटा के 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच बटर, उसमें जीरा, हींग कटा हुआ, अदरक लहसुन इसमें डाल देंगे, उसी के साथ तेज पत्ता, साबुत लाल मिर्च तुरंत डाल दिया, 1 चम्मच गरम मसाला, इसके बाद कटा हुआ प्याज इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से सोते कर लेंगे, जब तक हमारी सॉफ्ट हल्का सा ब्राउन कलर नहीं आ जाता है प्याज पे तब तक। इसी के साथ इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च के साथ साथ अब इसमें हम ऐड कर देंगे कटा हुआ टमाटर। इसी के साथ कुछ बेसिक मसाले हम इसमें डाल देंगे, जैसे कि कश्मीरी लाल मिर्च जो कि कलर भी अच्छा देगी, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से चला देंगे और मसाले को पकने देंगे। मसाले को तब तक पकाएंगे जब तक मसाला तेल से अलग नहीं हो जाएगा। जब तेल से अलग होने लगता है मसाला, इसका मतलब मसाला अच्छे से पक गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास पानी करने के बाद इसमें 2 बॉईल आने देंगे अच्छे से। उसके बाद डाल देंगे हम 4 पीसेस को। इसके बाद इसको भी अच्छे से पकाएंगे और इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया और इसे ढक के स्लो फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देंगे। इससे चाप में भी मसाले का टेस्ट आ जाएगा। और इसी के साथ अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, जो कि खुशबू भी अच्छी देगी और टेस्ट भी, और आपके गेस्ट भी ये इंजॉय करेंगे और आप भी इंजॉय करना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर